मध्य प्रदेश की रैली में तो राहुल गांधी ने यहां तक ऐलान कर दिया कि सत्ता में आए तो सबसे पहले जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन ओबीसी करते करते आज अचानक राहुल गांधी हिंदू का मतलब समझाने लगे। सोशल मीडिया पर सत्यम शिवम सुंदरम शीर्षक से राहुल गांधी ने एक लेख पोस्ट किया जिसमें राहुल ने अपनी भाषा में हिंदू होने की परिभाषा बताई। राहुल के मुताबिक जिस व्यक्ति में अपने भय की तह में जाकर सत्य निष्ठा से देखने का साहस है, हिंदू वही है। हिंदू धर्म को केवल कुछ सांस्कृतिक मान्यताओं तक सीमित रखना उनका अल्प पाठ होगा। किसी राष्ट्र या भूभाग विशेष से बांधना भी हिंदू धर्म की अवमानना है, और यह भी कि हिंदू धर्म सत्य को अंगीकार करने का एक मार्ग है। दो पन्नों के लेख में राहुल ने हिंदू होने की ओर भी कई विशेषताएं बताई हैं, लेकिन सवाल यह है कि अचानक राहुल गांधी हिंदू होने की परिभाषा क्यों बताने लगे? क्या यह राहुल का हिंदू कार्ड है? क्या यह बीजेपी के हिंदुत्व के जवाब में कांग्रेस की तरफ से हिंदू होने का अर्थ है? क्या यह सनातन पर जारी विवाद को लेकर कांग्रेस का रुख है? और क्या यह राहुल की चुनावी मजबूरी है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले? आज इन्हीं सवालों पर हुंकार, लेकिन पहले वार पलटवार वो सुनाते हैं। हिंदू धर्म प्रेम करुणा है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने साफ शब्दों में धर्म की व्याख्या अपने शब्दों में करने का काम किया है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर लोगों के अंदर एक नफरत का माहौल बना, उम्मीद करते हैं इन लोगों से जो चुनावी हिंदू बन जाते हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं जो प्रैक्टिस कुछ और करते हैं और दिखाते कुछ और है? राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ही तर्कसंगत बातें कही हैं, और हिंदुत्व की अवधारणा के लिए भारतीय जनता पार्टी की नसीहत किसी को लेने की जरूरत नहीं है, ये उनका कॉपीराइट नहीं है। 55 साल बाद आपको ये याद आया सत्यम शिवम सुंदरम? 10 साल आपकी सरकार पहले रही जिसके आप ही सब कुछ थे, तब भी आपको याद ना आया? सत्ता हथियाने के लिए किस तरह लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं? देखिए, सनातन धर्म को किसी आप एक जगह में नहीं बांट सकते। धर्म अगर कहीं कमजोर हुआ है सनातन, उसमें आरएसएस और भाजपा की बड़ी भूमिका है। अरे ये वो लोग हैं अब सनातन धर्म को जड़ से मिटाने का संकल्प भी लेकर चले हैं। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहे आगे, इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात, देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।